तो यार ये देखो आप लोग, ये प्रूफ है इस चीज़ की, जो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ वो एग्जैक्ट एकदम सही होती है। मैंने एक नया चैनल बनाया था तीन दिन पहले मैंने एक चैनल बनाया था और दो वीडियोस अब तक अपलोड की, और ये देखो मेरा पहला ही वीडियो वायरल। आप लोग देख सकते हो उस पर 11,000 व्यूज अब तक जा चुके हैं और अगले 3 दिन के अंदर इस पर लैक्स में व्यूज जाने वाले हैं भाई इस वीडियो पे। मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि यूट्यूब पे पूरा ट्रिक्स का गेम होता है। आप लोग देख सकते हो एकदम बिल्कुल नया चैनल है, 33 सब्सक्राइबर्स पे आ चुके हैं सिर्फ दो वीडियोस से, ठीक है। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद की भी नहीं, दो वीडियो अपलोड की थी एक ही दिन। तो मैंने इस वीडियो में क्या ऐसा ट्रिक लगाया जिससे मेरी पहली वीडियो पे 12,000 व्यूज चले गए। भाई बहुत तगड़ा गेम है शॉर्ट्स का। मैंने आप लोग को पहले भी कई वीडियोस में बताया कि यूट्यूब शॉर्ट्स अभी के टाइम पे बिना ट्रिक लगाए वायरल नहीं हो सकते। भाई कितनी भी अच्छी आप लोग वीडियो बना लो, यूट्यूब नए चैनल पे व्यूज के लिए रुला देता है, लिटरली रुला देता है भाई। अगर आप लोग ट्रिक नहीं लगाओगे, आप व्यूज लेना नहीं सीखोगे खुद से, आप अपनी वीडियो को खुद से वायरल नहीं करोगे तो वीडियो वायरल कभी नहीं होने वाला, ठीक है। मैं इसके एनालिटिक्स में जाता हूँ, आप लोग ये देखो रीच में आता हूँ और एक चीज यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, शो इन फीड। मतलब मेरी पहली शॉर्ट वीडियो 17,000 लोगों के पास यूट्यूब ने शॉर्ट फीड में भेजी। कुछ ऐसा किया हुआ है मैंने वीडियो में, कुछ इस तरीके से मैंने इस वीडियो में ट्रिक लगाई हुई है। और ये देखो भाई ऑडियंस में 26 सब्सक्राइबर्स मेरे पास इस वीडियो से आए। तो भाई ये चीज होती है, और अभी के टाइम पे सिर्फ यही एक चीज बची है जो आपके चैनल को ग्रो करवा सकती है। सारी ट्रिक्स लगा ली ना, कोई ट्रिक्स काम नहीं कर रही, नहीं हो पा रही वायरल शॉर्ट्स। तो भाई ये चीज एक बार यूज करके देखो। तो यार ऐसा मैंने अपनी इस वीडियो में क्या क्या हुआ है, क्या ट्रिक्स लगाई हुई है भाई, सब कुछ आपको बताऊंगा। बहुत इजी है, मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ जाते हो, देखने से काम नहीं चलता भाई, वीडियो को समझना पड़ता है। अगर आप लोग इस वीडियो को समझ लेते हो तो आपकी शॉर्ट वीडियो भाई 3-4 दिन में वायरल हो जाएगी, 100% वायरल हो जाएगी। ऐसी ट्रिक मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं। मैंने ये चैनल जानबूझ के बनाया था, इसीलिए ट्रिक अप्लाई करके देखने के लिए बनाया था, जिससे मुझे पता चल गया कि भाई ये ट्रिक काम भी कर रही है कि नहीं। और आप लोग देख सकते हो पहली शॉर्ट्स वायरल। तो इस वीडियो में आप लोग को 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं, ये 3 पॉइंट्स फॉलो करते ही 100% आपकी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी वीडियो भाई अपलोड करते ही वायरल होगी। ऐसी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है भाई हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक। ये अभी के टाइम पे ये एक ऐसी चीज है जो आपके चैनल को भाई रातों रात वायरल करवा सकती है। आप रात को वीडियो अपलोड करके सोओगे और सुबह आपको आपकी वीडियो वायरल मिलेगी, बट उस चीज को यूज कैसे करना है वो आप लोग ध्यान से सुन लेना। अभी ट्रेंडिंग चीजें ना भाई ढूंढनी पड़ती है। देखो अभी के टाइम पे बिग बॉस चल रहा है, और बिग बॉस में कौन है, एलविश यादव और फुकरा इंसान, मतलब दोनों की अच्छी खासी फेस वैल्यू है। तो अगर आप लोग बिग बॉस से रिलेटेड वीडियोस बना देते हो अभी के टाइम पे, तो 100% भाई आपकी वीडियो वायरल है, 100% बोल रहा हूँ। बट ऐसे ही नहीं कि भाई कई लोग भाई बना भी रहे हैं बट उनकी वीडियोस चल नहीं पा रही क्योंकि वे ट्रिक ही नहीं लगा रहे। तो आप अगर ट्रेंडिंग वीडियो बना भी रहे हो तब भी एकदम से आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। उसको वायरल कैसे करना है वो मैंने थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है, तो उसको भी बिल्कुल मिस मत करना। तो सबसे पहले आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना है। लाइक बिग बॉस के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो, एलविश यादव है बिग बॉस में भाई, फुकरा इंसान है, बिग बॉस की क्लिप यूज कर सकते हो शॉर्ट्स पे, लाइक फाइट वगैरह होती है उनकी, तो उस चीज के ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। बहुत तगड़े व्यूज आपको मिलने वाले हैं भाई, एकदम से आपकी वीडियो वायरल होने वाली है। एंड सेकंड पॉइंट आता है भाई हमारा क्वालिटी वीडियोस। जब तक आप अपनी शॉर्ट वीडियो में क्वालिटी वीडियोस अपलोड नहीं करोगे, मतलब अच्छी क्वालिटी की वीडियो अपलोड नहीं करोगे, तो भाई आपकी वीडियोस व्यूअर पे इंप्रेशन नहीं डाल पाएंगे। व्यूअर को लगेगा कि भाई ये तो कोई छोटा क्रिएटर है अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा भाई कोई महंगा फोन लो, फिर कोई अच्छा कैमरा लो, आप वैसे भी इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो फोन से चैनल ग्रो कर रहे हैं, मैंने भी उसी से किया है। तो किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा। अभी लाइक एक वेबसाइट है कुछ पिक्सल करके, एक वेबसाइट है मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोग अपने किसी ब्राउजर पर जाकर पिक्सल सर्च करोगे, मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पे आपको 4K क्लिप्स मिल जाती है। अभी लाइक मैं इस वेबसाइट पर सर्च करता हूँ शॉकिंग, ठीक है, मैंने वेबसाइट पर शॉकिंग सर्च किया, फोटोज का भी आपको मिल जाता है, वीडियोज का भी मिल जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी मिलने वाला है, फोटोज भी और वीडियोज भी। अभी लाइक मैंने वीडियोज वाले बटन पर क्लिक किया और इस वाले मैंने वीडियो पर क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो ये एक वीडियो हमारा, मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी लाइक हमने ये वीडियो हमारा डाउनलोड कर लिया, ये 4K क्वालिटी की आपको वीडियोज मिलती है, हमने ये वीडियो डाउनलोड कर लिया, तो आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का भाई एक रिएक्शन आ रहा है कि शॉकिंग रिएक्शन। अब जैसे आप लोग बिग बॉस रिलेटेड वीडियोस बनाओगे कि गाइज एलविश यादव फुकरा इंसान की हो गई लड़ाई, तो कुछ ये वाला रिएक्शन आप उसमें लगा सकते हो, एक कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप। तो ये चीजें आपको पिक्सल पे मिल जाती है, किसी भी तरह की रिएक्शन की वीडियोस आप लोग ले सकते हो भाई। ये क्लिप्स ना एक बहुत तगड़े वाला अट्रैक्शन डालते हैं व्यूअर के ऊपर, ठीक है। तो ये क्लिप्स आप लोग जरूर यूज किया करो, इनसे आपकी वीडियो की भाई क्वालिटी बढ़ेगी, आपकी वीडियो का एक लेवल बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियोज की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, तभी आपके व्यूअर को लगेगा कि भाई ये एक अच्छा यूट्यूबर है, इससे हमें कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। अब थर्ड पॉइंट आता है भाई हमारा, आपने ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना लिया बट फिर भी वायरल नहीं हो रहा,
तो ये थर्ड पॉइंट आपके यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। थर्ड पॉइंट में आता है हमारा अपनी वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुँचाना। ये बहुत ज़रूरी है यूट्यूब पे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी वीडियो सही ऑडियंस के पास नहीं जाएगी ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और वीडियो आपकी वायरल इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुँच ही नहीं पाती। अभी आप लोग खुद ही सपोज करो, आप बिग बॉस से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हो, बट यूट्यूब आपकी वीडियोज़ उन लोगों के पास भेज रहा है जिनको बिग बॉस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो भाई उनके लिए तो सब न्यू होगा। अब आप बता रहे हो अपनी वीडियो में कि एलविश यादव फुकरा इंसान की लड़ाई हो गई, बट यूट्यूब आपकी वीडियोस को उन लोगों के पास भेज रहा है जिनको बिग बॉस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो वे कहाँ से आपकी वीडियो देखेंगे? वे तो आपकी वीडियो को स्किप करेंगे या फिर 5-7 सेकंड की देखेंगे और फिर स्किप कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुँचाना। अब वीडियो को सही ऑडियंस तक कैसे पहुँचाना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी वीडियो को जो है अपलोड कर दो यूट्यूब पे, क्रिएटर शॉर्ट से करके अपलोड कर दो, अनलिस्टेड पे करके अपलोड कर दो। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ आपको अपनी वीडियो को जो है सही ऑडियंस तक कैसे पहुँचाना है। अभी लाइक मेरी ये वाली वीडियो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मेरी ये एक वीडियो है और ये बिग बॉस रिलेटेड वीडियो है। वैसे है नहीं बिग बॉस रिलेटेड वीडियो, बट सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि एलविश यादव और फुकरा इंसान की हो गई लड़ाई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए अपनी वीडियो, इस पॉइंट के बिना आपकी वीडियो वायरल नहीं हो सकती, ठीक है। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, यहां पे जाके सर्च करूंगा एलविश यादव बिग बॉस, ठीक है। मैंने एलविश यादव बिग बॉस सर्च किया, अब देखो सेकंड नंबर पे कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, एलविश यादव बिग बॉस फाइट, ठीक है। ये एक बहुत सर्चेबल टॉपिक है अभी के टाइम पे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ भाई, बिग बॉस रिलेटेड वीडियोस बना दो, ठीक है, रिसर्च करो अच्छे से और वीडियोस बना दो, आपकी वीडियोस 100% चलने वाली है। लाइक मैं इस वाले बटन पे क्लिक, सॉरी इस वाले कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं जाता हूँ अपने टाइटल पे, यहाँ पे मैं आके इसको सर्च कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल एक चीज़ हो गई, अभी सिर्फ टाइटल डालने से आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक नहीं पहुँचने वाली। सही ऑडियंस तक अगर वीडियो को पहुँचाना है तो पूरा भाई SEO करना पड़ेगा, तभी YouTube आपकी वीडियो को बिग बॉस वाली ऑडियंस तक पहुंचाएगा। आपने टाइटल लिख दिया, अब यहाँ पे एक हैशटैग आपको जरूर से लगाना है शॉर्ट्स का, ठीक है। एक और हैशटैग आप लगा सकते हो यहाँ पे बिग बॉस का, जैसे अभी बिग बॉस के ऊपर एक वीडियो बना रहे हो, लाइक ये हैशटैग किसी ने यूज भी किया हुआ है लोगों ने। अब आपको क्या करना है, पूरा टाइटल को सेम टू सेम कॉपी करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल पेस्ट करना है और ये हैशटैग अगर हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो आप लोग। पूरा प्रॉपर तरीके से देख लेना किस तरीके से आपको वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचाना है। हम इसको वापस से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इतना कॉपी कर लेते हैं, एलविश यादव बिग बॉस फाइट, से मैंने इसको कॉपी किया। वापस से ब्राउजर में जाता हूं और यहां पे सर्च करता हूं रैपिड टैग्स। आपको अपने किसी भी ब्राउजर में जाकर रैपिड टैग सर्च करना है, ठीक है। यहां पे यूज स्टोर फॉर फिर पे क्लिक करना है, यहां पे आके इसको पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया हुआ है, एलविश यादव बिग बॉस फाइट। इसको यहां पे क्लिक किया, यहां पे सारे कीवर्ड्स आ गए, जो भी कीवर्ड्स आजकल भाई यूज किए जा रहे हैं, जिस सर्च किए जा रहे हैं, सॉरी, ये एक सर्चेबल टॉपिक है भाई, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं। यहां से आप इनको इजीली कॉपी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपने वापस से अपने यहां पे क्रोम ब्राउजर, सॉरी YouTube स्टूडियो में आना है एंड टैग्स में आना है एंड इनको यहां पे पेस्ट कर देना। मेरे ऑलरेडी हैं बट आप लोग यहां पे कुछ इस तरीके से इनको पेस्ट कर सकते हो, तो आपके कीवर्ड्स पेस्ट हो जाएंगे। अब टैग्स में कीवर्ड पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आना है, यहां पे भी इन कीवर्ड्स को कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है। ये कीवर्ड डालने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, ये चीज आती है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, वापस से आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे जाना है एंड यहां पे आपको हैशटैग लगा के सर्च करना है एलविश यादव। ये जो नीचे आते हैं ना, ये नीचे कीवर्ड्स आते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्चेबल होते हैं। आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है एंड अपने यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में जाके कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना है। आप लोग एक आधा अपनी तरफ से हैशटैग लगा सकते हो, लाइक हैशटैग बिग बॉस, हैशटैग शॉर्ट्स वायरल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर इस तरीके से ना भाई आपकी वीडियो एक सही ऑडियंस तक पहुंचेगी जो एक्चुअल में बिग बॉस की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप लोग को भाई ये 3 पॉइंट जरूर से फॉलो करने हैं और कोशिश करो आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाओ अभी के लिए, अगर आपको इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यार इन्फॉर्मेटिव हो, इफ यस तो चैनल को आप लोग भाई सब्सक्राइब कर दो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में